अंतस की धारा में थोड़ा रिलैक्स हो जाना। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, पेट तक जाए और पेट से ही बाहर आए। एक और, आप देखोगे कि इस टाइम पर कोई विचार नहीं आएगा, कोई पास्ट का विचार नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि सारी टेंशन या तो पास्ट में है या फ्यूचर में। प्रेजेंट में सिर्फ पीस है, सिर्फ ब्लिसफुलनेस है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। थोड़ी देर इस आनंद को महसूस करें। इस समय सिर्फ मोहब्बत, प्रेम। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। बस हम और कुछ नहीं, अपने वर्तमान के आनंद को खो रहे हैं पास्ट में जीने के चक्कर में। हमने कुछ चीजों को पकड़ कर रखा हुआ है, कसकर। रिलीज करो, एक लंबी गहरी श्वास लो। थोड़ा सा भी अपनी जिंदगी को जीना है तो एक बात समझना, खुद से मोहब्बत करनी होगी, सेल्फ लव में आना होगा, भीतर झांकना, अपने आप से पूछना कितना समय हो गया हंसे हुए। तुम कहोगे याद नहीं कब अपने साथ बैठकर बात की, कब सेल्फ लव की प्रैक्टिस की हमने, कब अपने को आईने में देखकर पूछा कैसा हूं मैं, कभी अपने आप को आईने में देखकर कहा आई लव यू, कभी बोला अपने को। आज तो बहुत मस्ती छा रही है भीतर, कभी कहा अपने से। जिंदगी की भाग दौड़ में सब कुछ पकड़ लिया लेकिन अपने आप को खो दिया, क्योंकि हमने मैच्योरिटी से अपने आप को ढांक लिया। जरूरी था इंटेलेक्चुअल लेवल पर, लेकिन दिल के लेवल पर कहीं ना कहीं वो बचपन की फीलिंग्स जरूरी थी, वो बिना मतलब की वो हंसी, वो खुशी जरूरी थी, वो चेहरे पर मुस्कान जरूरी थी, वो छोटी छोटी चीजों से खुश होना जरूरी था, वो किसी भी बात का कोई फर्क ना पड़ना बहुत जरूरी था। दोबारा बचपन में जाओ और देखो आज बचपन वाली चीज क्या कर सकते हो। पास्ट से सब उठाकर बेकार का, सब पेनफुल मेमोरीज, 20 साल 30 साल पुरानी, लेकिन पास्ट से कुछ अच्छा उठाकर लाना था तो लेकर के आओ वो बचपन की हंसी। आज एक बार फिर से बच्चे बन जाओ, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, बन करके देखो जरा। जो इस प्रकार की जिंदगी को एक बार जीना शुरू कर देता है फिर उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। अपने साथ बच्चा हो जाओ, बिना मतलब के हंसना है, क्योंकि हंसी केवल हंसी नहीं बल्कि हमारे भीतर हॉर्मोन्स का बैलेंस हो रहा है।
जो भी नेगेटिव केमिकल्स हमें बीमारियां दे रहे हैं वो सब खत्म, उन सब का खात्मा हो जाता है एक क्षण में, और हमारे भीतर सिर्फ ब्लिसफुलनेस बचती है। लेकिन आज हम परिवार, प्रोफेशन, समाज, रिलेशंस सबको समय दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को समय नहीं दे रहे। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना, आपसे बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं है, इससे ज्यादा किसी ने आपका साथ नहीं देना, और इससे ज्यादा बड़ी दुश्मनी किसी ने नहीं निभानी। तो आप क्या निभा रहे हो जरूर बताना। बस छोटी सी स्माइल अंतस की धारा में अपने को जरूर चाहना, फिर आपकी कोई चाहत ना बचेगी। भीतर झांकना, क्या छाया रहता है आपके मन पर दिन रात। वास्तव में जो स्वयं से और अपनी स्थिति से परिचित ही नहीं है, वो जीवन में बहुत ही अजीब किस्म का काम करेगा। वो ऐसे मुद्दों में उलझा रहेगा जिनकी कोई अहमियत नहीं है, और जो मुद्दे वाकई गंभीर हैं उनका उसे कोई होश ही नहीं होगा। लेकिन अब प्रतिपल जानना होगा, इस संगीत में धारा में थोड़ी देर अंतस की यात्रा पर उतरना होगा, स्वयं की यात्रा, आत्म परमात्म की यात्रा, स्वस्थ पूर्ण प्रेम पूर्ण जीवन की यात्रा, सच्चित आनंद की यात्रा ही जीवन की यात्रा है। मन बुद्धि से हृदय की ओर, शरीर से आत्मा की ओर अनमोल अद्वितीय यात्रा है ये। इन सन्नाटों में भीतर के सन्नाटे को अनुभव करना होगा। बाहर की पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। बहुत खोकर देख लिया विचारों और सोच में, अनेक प्रकार के द्वंद्वों में, अब इनसे हटकर निर्द्वंद की स्थिति में आना। बाहर के जगत को भूलकर थोड़ी देर स्वयं में ठहर जाना, बहुत तरोताजा हो जाओगे। इस रिलैक्सेशन में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपने स्वभाव में रहना है। ये स्वभाव ही शाश्वत संगीत है, सौंदर्य है भीतर का। मन से हटकर, हर और से हटकर केवल भीतर के साक्षी हो जाना। तुम ही हो शिव नेत्र। लेकिन हम जानने से बहुत डरते हैं, ज्ञान से डरते हैं, क्योंकि अहंकार नाम ही अज्ञान का है, तो वो ज्ञान से बेहद घबराता है। जानिए, पूछिए, चेतना की साधारण अवस्था ही जिज्ञासा की होनी चाहिए, मान्यता की नहीं। कुछ भी जो दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक ही होगा, बात बात में हाँ ये काम केवल पशुओं का है, उन्हें कुछ भी दिखा दो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। चेतना की डिफॉल्ट अवस्था जिज्ञासा की होनी चाहिए, पूछो, जानो और सजग रहो। ज्ञान पढ़कर ही नहीं आता, बल्कि आप कुछ भी देख रहे हैं वो ऐसा है जैसे किताब पढ़ रहे हो। फिर बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, जगत भी अपने आप में एक खुली किताब है। आप उसे तभी पढ़ोगे ना जब आंखें खुली हैं। आंखें खुली ना हो तो क्या पढ़ोगे? मैंने जानी मैं की माया, मैं को मार मैं को पाया। यानी पहले मैं शरीर था, शरीर से हटा तो मैं मन हो गया, मन से हटा तो मैं चेतना हो गया, और चेतन से हटा तो मैं शिव हो गया। यही है सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य उस मैंने जाना, यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। इस पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति में तीन प्रकार की शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली शक्ति मैं की, श्रम की, मेहनत की, एफर्ट की। यही श्रम की शक्ति व्यक्ति को संसार से जोड़ती है। पूरे जगत को व्यक्ति ने जिस माध्यम से अपने साथ जोड़ा है,
वो है श्रम की शक्ति। दूसरी शक्ति इससे भी सूक्ष्म, विचारों की शक्ति। श्रम की शक्ति में इधर से उधर जाना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन विचारों की शक्ति में तो तुम दूर बैठे यहां तक यानी कहीं भी पहुंच सकते हो। ये विचारों की शक्ति मनुष्य को उसके विचारों से जोड़ता है, जैसे घर परिवार संपत्ति सम्मान विदेश यात्रा, ये सब विचारों की शक्ति है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस विचार से किसके साथ जुड़ना चाहते हो। तो श्रम की शक्ति तुम्हें जोड़ती है संसार से और तुम्हारा जो बाहर का जगत है। विचारों की शक्ति तुम्हें अपने निजी संसार से जोड़ती है जिसकी तुम्हें चाहत है, और वो चाहत कोई भी हो सकती है। इससे भी सूक्ष्म एक शक्ति है, उसे कहा जाता है गुरु शक्ति, जो व्यक्ति को समष्टि से जोड़ती है। तुम अंश को तुम्हारे पूर्ण से जोड़ती है, तुम्हारे अधूरेपन को तुम्हारे पूरेपन की खबर दिलाती है। यही गुरु शक्ति तीनों में सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि यही शक्ति तुम्हारे इसी अस्तित्व को, इसी जन्म, इसी स्वरूप के अंदर तुम्हें तुम्हारे परम स्वरूप का मिलन कराने का मार्ग दिखाती है। लेकिन ध्यान रहे, गुरु केवल मार्ग दिखाते हैं, मंजिल पर पहुंचने के लिए यात्रा तुम्हें स्वयं करनी होगी। और किसी भी यात्रा के लिए दो अनिवार्य चीजें चाहिए, पहली आंख, दूसरे पैर। गुरु जिस यात्रा के लिए तुम्हें पुकारते हैं उस यात्रा में बस दो ही अंग चाहिए, चक्षु और आंख। गुरु के ज्ञान रूपी चक्षु से अब तुम भी अपने संसार को देखना शुरू करो। जिस तरह गुरु इस संसार को देख रहे हैं, तुम भी उस प्रकार से देखना शुरू करो। गुरु का ज्ञान तुम्हारा ज्ञान होने लग जाए, ये चाहिए पहला ज्ञान चक्षु। दूसरा पैर। चक्षु की उपमा ज्ञान से की जाती है और पैरों की उपमा प्रेम से की जाती है। ये पैर यानी जितना प्रेम, जितनी जल्दी दौड़ेंगे, जितनी जल्दी चलेंगे, उतनी जल्दी मंजिल पर पहुंचेंगे। चक्षु चाहिए मंजिल और मार्ग की क्लैरिटी के लिए, पैर चाहिए हड़बड़ हड़बड़ फटाफट वहां पहुंचना है बस। प्रेम की गति तीव्र जितनी होगी उतनी जल्दी पहुंचोगे। यदि तुम्हें जल्दी पहुंचना है तो अकेले यात्रा शुरू करो, और यदि तुम्हें दूर तक की यात्रा करनी है तो समूह में चलो, मिलकर चलो। अब ये दूर की यात्रा है, समय लग सकता है, लेकिन जब पहुंच जाओगे तुम्हें लगेगा अरे ये तो निकट से भी निकट था, पास से भी पास था। लेकिन अभी तुम्हें ईश्वर की अनुभूति पास नहीं लग रही, इसीलिए तुम्हें दूर की यात्रा लग रही है। और दूर की यात्रा में गुरु के ज्ञान का चक्षु और प्रेम के पैरों का साथ, तभी तुम्हारी यात्रा पूर्णता तक पहुंचेगी। शर्त बस तुम्हारी शरणागति चाहिए और कुछ नहीं। शरणागति का इतना ही अर्थ होता है कि मैं ना रहूं, बस तुम रहो। मैं धीरे धीरे कम होता जाऊं और तुम धीरे धीरे बढ़ते जाओ, मैं शुद्र तू विराट। जिसके प्रति भी तुम्हारी शरणागति हो वो बढ़ता जाए, तुम घटते जाओ। अगर तुम्हारी शरणागति भगवान कृष्णा के प्रति है, यानी उनकी भगवद गीता तुम्हारे जीवन में रोम रोम में खिलती चली जाए, वो इतना खिले कि तुम मिट जाओ, ये शरणागति का नियम है। अभी तो तुम्हारा जीवन कैसा है, खाली तुम अपने बारे में सोचते हो। अपने बारे में सोचना यानी ये स्वार्थी जीवन है। तुम कहोगे नहीं, परिवार के बारे में सोचते हैं, ठीक है, परंतु ये भी स्वार्थी जीवन है। तुम कहते हो नहीं, अब तो हम अपनी सेवा करते हैं, हम योग और मेडिटेशन भी करते हैं। ईमानदारी से झांकना भीतर, इसके पीछे कुछ कामना है क्या कि मेरी बीमारियां दूर हो जाएं, या मुझे कुछ और सुख मिल जाए, या फिर टाइम पास कि चलो कुछ समय अच्छा निकल जाएगा,
ये जीवन स्वार्थी जीवन से थोड़ा सा बेटर है, इसे कहते हैं निस्वार्थ जीवन। अगर तुम्हारे भीतर कोई कामना नहीं है तो ये थोड़ा बेहतर है। लेकिन इसके बाद एक तीसरे प्रकार का जीवन है, बहुत ही प्यारा जीवन, किसी सद्गुरु के आसपास का जीवन, उनके वचन के आसपास का जीवन, उनके द्वारा दिए गए बोध के आसपास, उनकी दी गई साधना के आसपास, मेडिटेशन के आसपास। अगर तुम्हारा समग्र जीवन वहीं घूमता हो तो इसे हम परम जीवन, परमार्थ जीवन कहते हैं, इसे हम निष्काम जीवन कहते हैं। पहला स्वार्थी जीवन, जिसमें सिर्फ मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, कहीं तुम उसमें तो नहीं हो। उसके पश्चात दूसरा निस्वार्थ का जीवन, जिसमें तुम अपनी सेवा के साथ साथ दूसरों की सेवा भी करते हो। तीसरा जीवन निष्काम जीवन तभी आएगा जब तुम किसी सद्गुरु के आसपास उनकी आज्ञाओं में जी रहे हो। निष्काम भाव, एक ही सिक्के के दो पहलू, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तुम्हारे निष्काम कर्म के अंदर एक तरफ आता है जो तुम्हारा नहीं है, नहीं था, नहीं हो सकता, यानी जो क्षणिक संसार है, जो आता है जाता है, उससे सुख की कामना नहीं करना। ये निष्कामता का एक लेवल है। एक टेल है तो दूसरा हेड है, जो तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा, उससे अनंत सुख की कामना करना, ये भी निष्कामता है दूसरे प्रकार की। स्वरूप को समझकर आगे बढ़ना है। खाली एक तरफ को समझोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है उस टेल की। खाली एक चीज को पकड़ोगे कि संसार सुख नहीं देता, यहां सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सारे ज्ञानी यही तो कह रहे हैं, लेकिन इसका पूरक क्या है? दूसरा पहलू कहता है, जो सदा से तुम्हारा है, तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहेगा, उसकी चाहत करना, उसकी प्यास करना, उसके रंग में रंगना, ये तुम्हारे इस निष्कामता को पूरी वैल्यू देता है। अंतस की धारा में तुम्हें ना तो स्वार्थी होना है, ना ही निस्वार्थी, बल्कि उस थर्ड डायमेंशन निष्कामी जीवन जीना है। ये जीवन क्या होता है समझना होगा। तुम्हारा हेड और टेल बहुत ध्यान से और गहराई में, बिना एक के दूसरा अधूरा, कुछ भी नहीं है एक। यदि हेड ना हो तो टेल की कोई वैल्यू नहीं है, और यदि टेल ना हो तो हेड की, तो तुम्हारी निष्कामता में संसार की कामना सरकती जाए और ईश्वर की कामना दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। ये दोनों है तभी तुम्हारी निष्कामता की वैल्यू है। इसी निष्कामता और शरणागति को नेक्स्ट वॉल्यूम में हम और डिटेल से जानेंगे। उम्मीद मत छोड़ना है जिंदगी, कल का दिन आज से बेहतर होगा, बस साथ साथ चलना, रहेंगे साथ तब तक, रहेगी दिल में धड़कन जब तक। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।